हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आई एम राहुल, वेलकम टू आवर चैनल इंक प्लेजर टैटू। सो गाइस, आज हमारा सेकंड वीडियो है अपने एक जो न्यू स्टूडेंट गौतम, उसके ऊपर का डे 3 है उसका। सेकंड डे में मैं आपको दिखाई देता हूँ हमने क्या क्या करवाया है। उसका शूट नहीं कर पाए थे जस्ट बिकॉज आई एम थोड़ा सा मैं हरी में था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा कुछ लाइक रॉकेट साइंस नहीं है, लाइक हल्की फुल्की ट्रेनिंग हुई थी जिसमें हमने मशीन होल्ड करने सिखाया था एंड जितने भी बेसिक टॉपिक लाइक नीडल की नॉलेज हो गई या तो मशीन की नॉलेज हो गई, वही सब मैंने प्रोवाइड किया था। वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ और देन फिर हम आज की जो वीडियो किस पर्पस पे होने वाली है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। सो हमारे ये रहे गौतम भाई। हेलो गौतम। एंड इनका भाई का थर्ड डे है एंड जो हमने किया है काम लाइक फर्स्ट डे जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इनका ये वर्क था। देन फिर मैंने कुछ क्लासेस ली थी ग्रेड की, सेम डे में ही यहाँ से सीधा यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हो सेम डे का, लाइक एक प्रोफेशनल ड्राइंग्स फर्स्ट डे में होने लगी। देन फिर वही ग्रेड मेथड से फिर ये किया मैंने, ऐसी थोड़ा सा फन के लिए बना लिया था। देन ये लाइन प्रैक्टिस जो डे 2 में हुई थी, सेम लाइन प्रैक्टिस एंड ये थोड़ा टाइम पास के लिए बनाया था भाई ने, अगेन लाइन प्रैक्टिस। देन ये थोड़ी सी हमने मशीन की क्लास ली थी जिसमें मैंने सब कुछ फंडामेंटल ऑफ मशीन सिखाया था एंड देन ये नीडल की क्लास ली है, दैट्स इट। और ये थोड़ी नीडल की क्लास है एंड आज जिसका भाई को स्पेशली वेट था हमारे टैटू किट का, तो अब किट की अनबॉक्सिंग है, भाई से ही करवाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किट के अंदर क्या क्या है। शायद इनको मशीन के अंदर हो सकता है कि नॉलेज ना हो, अब क्या ना मशीन के पार्ट्स की हो सकता है भाई को नॉलेज ना हो, बट ये किट में से सामान निकालते जाएंगे मैं उनको बताता जाऊंगा इसको ये कहते हैं ये कहते हैं और इनका ये भी हो जाएगा। अब ये एक आज की भी एक स्पेशली क्लास है जो कि हमारी रनिंग है जो कि है स्टेंसिल के ऊपर। अब जैसे स्टेंसिल तो हो चुका है, स्टेंसिल की प्रैक्टिस, अब इसका एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए हमें मशीन, दैट्स व्हाई मैं इनको अभी ये टैटू को डिलीवर कर रहा हूँ। एंड इनको पार्ट्स के नाम बताना था तो मैं सोचा शूट ही कर लेते हैं, नाम भी बता दूंगा एंड देन और अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग। भाई ऑपरेशन शुरू करो, देखो कैंची यहाँ पे पड़ी हुई है, कैंची उठाओ ऑपरेशन शुरू करो। ऐसे काटना है ना? हाँ काटो काटो जैसे काटते हो। अब बढ़िया निकालो भाई। गाइज अगर आप भी हमसे ऑर्डर करते हो तो आपके पास भी हमारा किट कुछ इसी तरीके से आएगा, आप देख सकते हो। अगर आपने पहले नहीं देखा है कि हमारी वीडियो टैटू किट के ऊपर की, तो आपको ये हेल्पफुल लगेगी इफ़ अगर आप देख रहे हो तो। अगर आप हमसे ऑर्डर करते हो तो आपके पास भी कुछ इसी हालत में हमारी किट आती है और आपको कैसे ओपन करना है एंड कैसे अरेंज करना है आप ये वीडियो देखकर सीख सकते हो। तो भाई ये बड़े आराम से ये बॉक्सेस को अलग करते हुए, 2 बॉक्सेस हम यहाँ पे प्रेजेंट रखते हैं। जो हैवी वाला होगा भाई पहले वो खोलना, ठीक है? ये हैवी है, चलो अब निकालो इसके अंदर क्या क्या सामान है। सो फर्स्ट जस्ट मैट, मैं थोड़ा सा आपके लिए मैस क्लियर कर देता हूँ एंड अब निकाल के ना यहाँ रखते जाना, ठीक है? ये पहले भैया मिलते हैं हमें ग्रिप, ये 35 mm की गौतम भाई ग्रिप है, इनको ग्रिप्स कहते हैं। ये 35 mm के ग्रिप्स होते हैं, ठीक है? ये है हमारी क्लिप कॉर्ड, ये बॉक्स में आपको 2 मिलेंगे, एक रहता है बैकअप के लिए और एक हमारे यूज के लिए, ठीक है? ये गौतम भाई की क्लास भी ले रहा हूँ एंड आपके लिए अनबॉक्सिंग भी ले रहा हूँ, तो इस तरीके से हम ये आज का वीडियो कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस स्किन पैड है, ठीक है? आप इसको एक बार ओपन कर लो, इसको एक बार रबर बैंड हटा के ओपन कर लो और लेंथ देख लो कितनी बड़ी है, ठीक है? ये इस लेंथ की हमें प्रैक्टिस स्किन पैड मिलती है, वो भी 2, लाइक काफ़ी लार्ज साइज की मिलती है। एंड इसको भाई क्या कहते हैं बताओ, ये ओपन करो इसको और इसका नाम बताओ क्या कहते हैं। इसे
क्या कहते हैं भाई से बताऊं? नहीं पता? देखो इसका नाम है थर्मल पेपर, हाँ, कि कोई कोई इसको स्टेंसिल पेपर भी कहते हैं, वैसे ऑफिशियल नेम होता है थर्मल पेपर। और एक और पेपर आता है हेक्टोग्राफ शीट, तो हेक्टोग्राफ शीट का हमारे में काम नहीं है, हम थर्मल पेपर पे ज़्यादा वर्क करते हैं। तो ये हमें दो थर्मल पेपर देखने को मिलते हैं, वो भी दो क्वांटिटी के थर्मल पेपर, एंड ये एलेंकीज, ठीक है गौतम भाई, एलेंकीज। और ये स्किन के मार्कर्स हैं, ठीक है, स्किन पे यूज करने के लिए, क्योंकि जेल पेन बॉल पेन स्किन पे नहीं चलता है जब वैसलीन प्रेजेंट रहती है या कोई भी पेट्रोलियम जेली प्रेजेंट रहती है। ये निडल्स हैं, निडल की क्लास तो ले ली आपकी मैंने, अब आपको पता है ना कौन कौन से निडल क्या क्या है। बस बस ओपन मत करो, दैट्स इट रख दो, ये पूरा मैस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और ये है हमारी, ये क्या है बताओ? स्प्रे बॉटल। हाँ, एक टैटू के लिए प्रोफेशनल स्प्रे बॉटल। कितना निकालोगे? और एक और मार्कर आ गया, ये है फुट पैडल, ठीक है, या फुट पैडल ही पर निकाल के भी दिखा दो। यस, सो ये हमने अपग्रेड किया है अपने किट के अंदर एक हैवी ड्यूटी फुट पैडल को, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड ये भाई बताओ क्या होगी? हाँ, वेरी गुड, निकालो। ये है कौन सी कॉइल मशीन बताओ? हाँ, ये है शेडर हमारी, हाँ, और ये लाइनर देख सकते हो। आपके पास भी इसी तरीके से सील पैक आएगा, मशीन का पैक, अगर आप ऑर्डर करते हो हमारे से। तो बॉक्स खाली या और भी है? ठीक है, आप सेकंड ये वाला निकालो, उसको तो लगता है फाड़ना ही पड़ेगा आपको, ये वाला बॉक्स। ये है हमारे, क्या कहते हैं इसे, इंकप, इंकप, हाँ, इंकप, इंकप। और ये इसको कहते हैं टिप्स, क्लास ली थी ना इसकी, नेल की एंड टिप्स की, आरटी एंड एफटी। एंड भाई इसके लिए बॉक्स फाड़ना ही पड़ेगा, ये बहुत टाइटली पैक्ड है। एंड गाइस, जो हमारा सबसे अपग्रेडेड प्रोडक्ट है किट के अंदर का इस बार का, वो है ये पावर सप्लाई। ये हमने इसीलिए अपग्रेड किया है क्योंकि एक बेसिक टैटू किट के अंदर, एक बेसिक टैटू किट के अंदर सबसे पहला जो अपग्रेड होता है पावर सप्लाई, वो मैंने आपको इनिशियल स्टेज पे ही अपग्रेड करके दे दिया है एक हैवी ड्यूटी पावर सप्लाई को। एज यू कैन सी, आप देख सकते हो स्मॉल इन साइज, एंड इसके अंदर इन बिल्ट फुट पैडल है। अब जब मैंने उसके बावजूद मैंने किट के अंदर एक फुट पैडल दिया है, ये आपका कोई यूज नहीं होने वाला है, ये बस एक बैकअप के लिए है। ऑप्शन है यहाँ पे फुट पैडल लगाने का, बट ये ऑप्शन आप नहीं भी यूज करते हो, सिर्फ आप मशीन की वायर लगाओगे एंड देन आप इस बटन को प्रेस कर दोगे कुछ इस तरीके से, तो भी आपकी मशीन चलेगी। तो इसके अंदर इनबिल्ट फंक्शन है फुट पैडल का। सो गौतम भाई, सारा हो गया? यस सर, सारा निकल गया। ओके सर, देख सकते हो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा अगर आप हमारे स्टोर से आप ऑर्डर करते हो तो। सो गाइस, जैसा कि आज की वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, और इसी के साथ गौतम भाई की आज एक प्रोडक्ट के नेम की क्लास भी होगी एंड एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी हो गई। सो ऐसी वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं, अगर आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी करो, ऐसी वीडियोज़ आपको इन्फॉर्मेटिव देखने को मिलती ही रहेगी। अगर आपको ये किट पसंद आया है, अगर आप लेना चाहते हो या आप अपना करियर शुरू कर रहे हो इस टैटू लाइन के अंदर, और हमारी वीडियोस तो लाइक ट्रेनिंग के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, बस आपको ज़रूरत क्या है टैटू किट की, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप हमसे लोगे तो। इस किट का प्राइस ओनली 15,000 रुपीज़ है, 15,000, 15,000। मैं तीन टाइम इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि लोगों को लगता है 1500 रुपये मैंने बोला है, तो नहीं, 15,000 रुपीज़ किट का प्राइस है। हमारे पास तीन मेथड है, प्रीपेड, कैश ऑन डिलीवरी, या अगर आप हमारे पास आकर लेना चाहते हो तो।
हमारे स्टूडियो का जो एड्रेस है बहुत ज़्यादा सिंपल है, दिल्ली वेस्ट में नवादा मेट्रो स्टेशन 725 पिलर नंबर, उसके सामने मार्केट के अंदर। तो अगर आप हमारे पास आकर लेना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है आपका, आप हमारे पास आके कलेक्ट कर लो, हम आपकी वन डे की ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा देंगे। एंड अगर आप हमारे पास से नहीं आ सकते हो तो आप हमें कैश ऑन डिलीवरी में भी अप्रोच कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी के लिए हम 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिलीवरी कॉस्ट चार्ज करते हैं। तो अगर इफ़ यू वांट तो आप हमसे कैश ऑन डिलीवरी में कलेक्ट करवा सकते हो। हमारी सेल टीम का नंबर यहाँ पे मैं फ्लैश कर दूंगा, आप उनको जाके कॉन्टैक्ट करो एंड अपना ऑर्डर बुक करो। सो अब नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखने वाले हैं कि गौतम भाई की हम इससे लाइनिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, वो किस तरीके से करवाएंगे, फर्स्ट हम स्क्रैच से क्या करवाते हैं, तो वो हम देखते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी स्टेंसिल की प्रैक्टिस मेरे को और करवानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी स्टेंसिल की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, देन फिर हम फर्स्ट दिन की लाइनिंग कैसा रहता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। सो दिस वाज राहुल गुप्ता साइनिंग ऑफ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ कर लेना, ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपको मिलने वाली है। सो बाय बाय।